वन ऑफ द टॉप बैट्समैन में आते हैं, द वन एंड ओनली विराट कोहली। देखिए विराट जो है यहाँ पे है, कैसे विराट आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते, कैसे अनुष्का? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए विराट के बारे में मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ और आज मैं विराट से जानना भी चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि विराट अपनी पूरी कहानी सुनाए, डोंट वरी, 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, आराम से बैठेगा। नहीं नहीं इतना टाइम नहीं, 15 मिनट लगेंगे। जिस तरह विराट मुझे देख रहे हैं, मुझे एक्चुअली डर लग गया कि मुझे डर लग रहा है तो सामने वाले बॉलर की क्या हालत होती होगी यार। अच्छा वैसे विराट की एक कहानी है, विराट आप खुद नहीं सुनाना चाह रहे बिकॉज विराट कहते नहीं यार मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। हैव अ लुक लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे ज्यादा मजा पता किस चीज में आया, जो एनिमेशन बना था उसमें रजत जी का जो एनिमेशन था बड़ा कमाल था। वो जो आप दोनों ने यूं यूं करके हाई फाइव दिया ना, वो बड़ा कमाल था। सीरियसली मैंने आज तक रजत जी को सिर्फ यूं देखा है, पहली बार यूं यूं करते देखा है। आई लव दैट। लेकिन आज देखिए क्या विराट अपने बारे में बात करें, मुझे नहीं मतलब नहीं विराट नहीं विराट आज मुझे लगता है मैं आपके टीम के जो मेंबर्स हैं उनसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले रवि शास्त्री सर, सर एक बार जोरदार तालियां रवि शास्त्री सर के लिए। सर मुझे एक बात बताएं, विराट जो है बड़ा फोकस खेलते हैं, मतलब बस आंखों से चीर चीर के छक्के चौके मार रहे थे। ये बताएं जब ये बड़े कूल मूड में बैठे होते हैं तो ये किस तरह के गाने सुन रहे होते हैं, सब जानना चाहते हैं। इसके साथ सिर्फ शिखर धवन को बिठाओ और फिर तमाशा देखो, गाने गाने होंगे। पीछे बैठा है उससे पूछो, शिखर धवन, वरुण धवन का तो पता है वो गाने सुनता है। शिखर धवन, शिखर धवन एक बार जोरदार तालियां। शिखर सो नाइस है। तो जगत किस तरह के गाने विराट जो है किस तरह के गाने सुनने पसंद करते हैं?
शादी से पहले या शादी के बाद? देखिए शादी के पहले आदमी गाने सुनता है, शादी के बाद तो बैंड बज चुका होता है। अच्छा तो विराट पंजाबी गाने सुनने का बड़ा शौक रखता है, तो उसको गुरदास मान साहब जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर लव सॉन्ग्स अजीत सिंह जी का बड़ा फैन है, और तो ये दो जब भी हम कभी कमरे में बैठे होते हैं तो ज़रूर सुनता है सारे गाने। और पुराने पंजाबी गाने तो बड़े सारे सिंगर हैं जिसको ये पसंद करता है तो वो सुनता है नॉर्मली। जो ये चलिए इतना कुछ बोला, मेरे को एक भी गाना समझ नहीं आया, बट चलिए अच्छी बात है। शिखर धवन ने मेरा माइक पकड़ के यहाँ से यहाँ तक बोला, मैं उसी में बड़ा खुश। अच्छा मेरे जनरली देखे ये लोग क्रिकेटर्स जो होते हैं बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, हम भी होते हैं कई बार, यार मैं ना वो ही वाला गंदा मोजा पहन के जाऊंगा या वाइट रंग का हैंकी रख के जाऊंगा, सब लोग करते हैं। विराट कोहली सुपरस्टिशियस है कि नहीं ये हमें बताएंगे द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। बताओ हार्दिक प्लीज यार, मतलब ऐसा कोई सुपरस्टिशन है जो मानते हैं? अच्छा पता नहीं, नहीं शिखर को पता है, नहीं नहीं ये तो मैं अच्छा सुना फिर बात अच्छा नहीं ऐसे कोई उसका सुपरस्टिशन कुछ है नहीं, नहीं करता, नहीं नहीं मना कर रहा। नो डाउट हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करती है, इतना अच्छा खेलती है, कैप्टन की बात अभी भी बैठे हुए सुने जा रहे हैं, इशारे इशारे में समझ गए, लव या लव द टाइमिंग पर जोरदार ताली होनी चाहिए यार यहाँ पे। वैसे यहाँ पे मैंने अभी वीरेंद्र सहवाग जी, सहवाग सर कहते हैं आप मुझे, हर कमर एक बार जोरदार ताली है सहवाग जी के लिए हो जाए। सर वैसे मैं अगर आपसे जल्दी बात करूँ, आपने कभी किसी सुपरस्टिशियस में बिलीव किया सर? शादी से पहले शादी के बाद? सर अब आप जिसे भी सुपरस्टिशन मानते हैं उसी हिसाब से बोल लीजिए सर। शादी से पहले मेरा नंबर 44 था, वो माने दिया था, शादी के बाद वो 46 हो गया, तो दोनों सास बहू की लड़ाई को मिटाने के लिए मैंने बिना नंबर की टी शर्ट पहनी। ये ठीक था। जडेजा सर आप किसी ऐसी बात में बिलीव करते थे, आज मैं ऐसा ही करके जाऊंगा? ऊपर वाले को याद कर दिया करो, ऊपर वाले को याद करते हैं? क्या बात है सर, ये बड़ी अच्छी बात है सर, मैं भी सर घर से निकलते ऊपर वाले को याद करता हूँ। नहीं नहीं मेरे ऊपर मेरा मकान मालिक रहता है सर, मैं उसी को याद करता हूँ, वो बाहर ना निकल जाए रेंट देना पड़ जाता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली यहाँ पे सबके लिए होनी चाहिए। देखिए जब इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हो रही है, मैं आपको बताऊँ विराट कोहली जो है इस समय वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है, कमाल के कैप्टन है, और इनकी कैप्टनसी में आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया हैज एवर सीन। अब इतना कुछ कमाल यहाँ पे हो रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आज एक और कमाल होने जा रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो ये है कि यहाँ पर डीडीसीए ने डिसाइड किया है कि अरुण जेटली स्टेडियम में एक पवेलियन जो है उसका नाम होगा विराट कोहली पवेलियन। लेडीज एंड जेंटलमैन and to do the unveiling of the pavilion I would request Shri Rajat Sharma ji, President DDCA, Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, Mr. Sanjeev Goenka, Chairman RP Sanjeev Goenka Group, which has an asset base of over 44,000 crores. The group has over 45,000 employees and over 100,000 shareholders with annual revenues of more than 26,000 crores. Ladies and gentlemen,